गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आगे देखो 15वें में क्या कहा है। ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रज गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच नराधम नराधमा मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देव देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा? रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर ने पैर नीचे ने सिर सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो आत्मा पैर कर रख्या करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे कर न्यू कर दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को, ये गिरीपुरी नागा कनपाड़े नाथ ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्मकड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा ने उठा का मार के किले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय कालज्ज अविनाशी सर्वेश्वर सबका मालिक अंतर्यामी पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि इस अंतर्यामी थे क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे, क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है, अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे 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 भगवान हर पीछे पीछे पुजारी दोनों जहाँ 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे, तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ यहाँ खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुके नहीं अभी 100 किलोमीटर तो रहे, मैं इतने दो बात कर लेता हूँ, वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आ जा ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूँ। तो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मैंने डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूँ।
इस हाथ को ऐसे करो, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे करो, जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहता और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी, भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी, भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन उसका पल्स रेट सेट हुआ था। ये तो इन दो गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी ये त्रिगुण उपासक हैं अपने अपने ग्रुप में जाकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, अगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो। और जो नहाने का इन समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना अपना बस है ये मनगढ़ंत कहानियाँ, फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुँच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णो, जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फेरडो, राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी इन लोगों में, गंगा का पानी मैला हुआ था, दो मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा लें जबकि बिजली गिरी थी वह पर भी खत्म हुआ थी दो मिनट में, पर वो नाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लायक गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदा हुए हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साधकवावे, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। हाय हाय, कहते हैं हर पैड़ी हर हेत न जाने, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करें, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में, और ये जग में साधकवा में तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी यू ए पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।